हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, अभी पूरा भारत जो है लू के चपेट में, 50 डिग्री टेम्परेचर से भी ज़्यादा, कहीं कहीं 48 है, 50 है, राजस्थान में तो 50 से ऊपर पारा हो गया, पर चढ़ गया है। दिल्ली जो है तप रही है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सारा गर्मी के तपिश से सभी का हाल बेहाल है, सभी आम पब्लिक का। चाहे वो काम पर जा रहे हैं, कार्य पे जा रहे हैं, चाहे मजदूरी कर रहे हैं, किसी भी काम में वो रोड पर, सड़कों पर निकलना दूभर हो गया है। उसमें बहुत जगह पानी की भी क्राइसिस हो रही है, तो लू के चपेट में पूरा भारत है। 55 डिग्री से लेके 45 डिग्री टेम्परेचर तक पूरे भारत में है, हाल बेहाल है सबका। इस तरह करके देश के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कठोर लू के चपेट में है। 28 मई को राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों में 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने लू की सीमा को परिभाषित करते हुए कहा है कि मैदानी इलाके में 40 डिग्री सेल्सियस, मैंने बोला ना 45 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक पूरे भारत में अभी देखा जा रहा है, हाल बेहाल है। बहुत जगह गर्मियों से, लू के चपेट से, गर्म हवा के कारण मौत हो रही है, बहुत बुरा हाल है। इसी गर्मियों में आप देखिए, तीर्थ करने के लिए बहुत सारे हमारे यहाँ के श्रद्धालु जो हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम जा रहे हैं। इतने गर्मियों में बेसुमार भीड़ है, उस भीड़ में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे हैं। मैंने तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाया कि प्लीज 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 स्टॉप कीजिए और आराम से जाइए, कोई भगवान जी वहीं हैं, कहीं भागे नहीं जा रहे, लेकिन उस गर्मियों से अपने आप को बचाएं। जिंदगी बचेगी तो आप जरूर जाएंगे। इतने गर्मियों में हाल बेहाल है सबका, डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की कमी से हो रहा है, किसी की तबीयत खराब है, गर्मी लू के चपेट में कितने जाने चली गई है, स्कूल जो है बंद कर दिया गया है, मजदूर को भी 12 से 3 बजे तक की छुट्टी दी गई है, तो उतना भरी दोपहरिया में कोई कार्य नहीं करेगा, चाहे ईंट मजदूर हो, कोई भी सरकार के तरफ से कार्य करने का उनको इजाजत नहीं है, क्योंकि इसमें वो उनकी मौत हो सकती है मजदूरों की, चाहे भट्टे की मजदूर हो या कहीं की मजदूर हो, उस गर्मी को झेलना उनके शरीर के बस की बात नहीं है, ये सूरज की तपिश को झेलना उनके बस की बात नहीं है, इसीलिए उसको, उन लोगों को 12 से 3 छुट्टी, स्कूल में तो कंप्लीट छुट्टी दी गई है। इस तरह करके रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है अभी मई मंथ में, आप सोच नहीं सकते हैं कि ये गर्मी से राहत। अभी हम नोएडा के में छिटपुट बूंदा बूंदी हुई, लेकिन उससे कुछ असर नहीं पड़ता है जब तक कि मूसलाधार बारिश नहीं पड़े। इस तरह करके आप सोचिए कि इतनी गर्मी के कारण आप, बहुत आदमी अभी एसी लगातार चला रहे हैं, जिससे ब्लास्ट होने का भी बहुत सारे घटना दिख रहा है। मजदूरों को इतनी गर्मी है कि पेड़ के नीचे भी राहत नहीं है। इसका असर है ना जलवायु परिवर्तन के कारण, जो है जो पर्यावरण जो है उसका में जो परिवर्तन आ रहा है, जिसके कारण वो देखने को मिल रहा है। इस साल 1850 के बाद पहली बार इतनी गर्म जनवरी में देखी गई, इतनी गर्मी अभी देखी गई है। मई रिकॉर्ड तोड़ने वाला तापमान का सिलसिला जारी है, मतलब इस बार जो है सबसे ज्यादा गर्मी कितने सालों के बाद देखी गई है। पूरी दुनिया पर इसका असर है, पर्यावरण का चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जो मजदूर वर्ग है उनको ज्यादा से ज्यादा उनको खतरा है, इसीलिए सरकार उनको 12 से 3 बजे दोपहर को छुट्टी दे गई, उस समय आप ईंट भट्टे के मजदूर को कोई भी काम करना नहीं पड़े। इसके लिए सरकार का एक कानून आया है, खेतों में भी जो काम करते हैं या
ऑटो रिक्शा चलाते हैं, ड्राइवर्स हैं, गली में ठेले बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, फल बेचते हैं, उन लोगों का भी काम है धूप में घूमना, ठेले को लेके गली गली घूमना, वो भी मौसम के लू के चपेट में आ सकते हैं बाहर निकलने के बाद। लेकिन अभी मैंने देखा कि पूरा जो है पूरा रोड पूरा मार्केट सुनसान लगता है, सब आदमी अपना दुकान अपना हर चीज़ बंद करके वो जो है अंदर में रह रहा है, जितना जिसका जो मिल पा रहा है वो अपना खा पी के, और सरकार सबको खाना पीना मुहैया करवा ही रही है अनाज पानी, तो सब आदमी अपना जान बचाने का। और सबसे मैं भी ये बोलती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। आप गर्मी में जब भी निकलें, अगर निकलना ही पड़े छाता लेके निकलें या सर के ऊपर कुछ ढक के निकलें। इसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें, और खाली पेट जो है खाली पेट आप घर से नहीं निकलें, भूखे पेट खाना खा के निकलें। और जो है तपी हुई गर्मी में अगर कोई काम हो तो आप शेड में करें, गर्मी में नहीं करें, क्योंकि गर्मी में मजबूरी भी हो तो गर्मी में आप काम नहीं करें, क्योंकि लू मारने का संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। आप इलेक्ट्रोल अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा प्यास लग रहा हो या थोड़ा डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोल पाउडर लें, उसको पानी में घोल के आप पिएं, या अगर इलेक्ट्रोल पाउडर आपके पास नहीं है तो नींबू चीनी दोनों का पिंच, एक पिंच नींबू या नींबू चीनी और नमक का घोल बना के आप पिएं। लगातार पीते रहें तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, प्लस आप गर्मी से भी बचे रहें। इस समय आप कच्चे आम का भी पका के उसका भी उपयोग कर सकते हैं, कच्चे आम को पका के उसकी शरबत बना के उसको पी सकते हैं। कहीं बाहर निकलें, एक तो छाता लेके निकलें, दूसरा आप हर समय टॉवेल या इस तरह करके सर के ऊपर रखें ताकि डायरेक्ट आपके ऊपर धूप नहीं पड़े। और दूसरा है लिक्विड डाइट लेते रहें, अपने साथ पानी का बॉटल रखें, पानी पिएं। इसके बाद साथ साथ आपको नींबू पानी भी पी सकते हैं, मतलब लिक्विड जिस तरह है जिस फॉर्म में लेना है, चाहे जूस लेना है या चाहे शेक लेना है, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा आप लें। और आम कच्चा आम लें, और क्या बोलते हैं और भी जो है आपका गोंद वाला जो क्या बोलते हैं उसको गोंद, एक होता है शरबत जो गर्मियों में पीते हैं, उसका भी बना के पिए। तो इस तरह करके आप लिक्विड हर फॉर्म में लेके रहें, और गोंद कतीरा वो भी आप ले सकते हैं, और बेजिल का सीड्स को उसमें डाल के, और हल्का सा शुगर डाल के, मर्जी शुगर डालिए नहीं डालिए, और पुदीना का पत्ता, ये सब लेने से आप बहुत कूल महसूस करेंगे, ठंडा महसूस करेंगे। और उसको भी आप सुबह शाम एक ग्लास ले लें, उससे आपका पेट ठंडा रहेगा और डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा, साथ में आपका पेट भी अस्त व्यस्त नहीं होगा, जो इनडाइजेशन टाइप का होता है गर्म हो जाता है पेट तो वो है। और खाना आप लिक्विड खाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई भी है ना जो रिच डाइट है अभी अवॉइड करें, अभी सॉफ्ट डाइट करें, जिससे कि जिसके कारण आप गर्मी से बचे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। और बच्चे भी को भी गर्मी में खेलने के लिए पार्क नहीं भेजें, शाम को भी बहुत गर्मी रहती है, इसीलिए बेटर है इंडोर गेम खिलाएं, इंडोर ही रखें, पेंटिंग ड्राइंग करवाएं उनसे, उनको लिखने के लिए जाएं, उनके लिए कोई क्रिएटिव वाला वर्क, क्रिएटिव गेम आप उसको लेके दें, कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए दें, इंडोर रखें छोटे बच्चों को, बाहर नहीं करें, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, नाजुक होते हैं, उनमें ज़्यादा से जल्दी उसको लू मारने का और प्रॉब्लम होने का चांस होता है। बूढ़े बच्चे ये लोग और ज़्यादा सावधानी बरतें। तो बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और पूरी वीडियो देखिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आते रहूँगी। तब तक इतना है।